नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित जायसवाल। आप देख रहे हैं टेक्निकल आरजेम। आज हम आपको बताएंगे पावर डायरेक्टर के बारे में, पावर डायरेक्टर से वीडियो एडिट कैसे करते हैं और कैसे काम करता है टोटल ट्यूटोरियल पावर डायरेक्टर का। चलिए हम ओपन करते हैं प्ले स्टोर को और वहां से डाउनलोड करते हैं पावर डायरेक्टर। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और 16:9 लेंगे और जाएंगे अपनी वीडियो में। ये आ गए हम अपनी वीडियो में और जैसे कि हमारा ये वीडियो आ गया। सबसे पहले आपको इसमें बताते वीडियो में कट कैसे लगाना है। जैसे कि मुझे ये यहाँ पे माइक सेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर स्प्लिट पे क्लिक करेगा और जहाँ तक हमें कट करना है हमने ले लिया टोटल 5 सेकेंड। 5 सेकेंड यहाँ तक आ गया, फिर से स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एक अलग पार्ट कट गया। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, ये पार्ट हमेशा के लिए ऐसे हट गया। 5 सेकंड का ये पार्ट हमारा कट गया, ये हो गया वीडियो। अगर आपको बीच में से वीडियो कट करना है, समझ लीजिए यहाँ पे 20 सेकंड है, यहाँ से हमें वीडियो कट करना है, फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और जहाँ तक कट करना है वहाँ तक हम लेके जाएंगे, ये 24 तक हम कर देते हैं, ठीक है। फिर से स्प्लिट क्लिक करेंगे, बीच में एक पार्ट अलग हो गया। फिर हम डिलीट वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, ये पार्ट डिलीट हो गया। हाँ अभी ये इतना, अभी चलिए यहाँ पे आपको लेके चलते लेयर पे। सबसे ये लेयर दिया है जिसमें दिया है टाइटल, वीडियो, फोटो, स्टिकर और ओवरऑल डिफेक्ट, ये 6 दिया है। सबसे पहले हम टाइटल, जैसे हमें कोई भी टाइटल लेना है फर्स्ट वाला ले लेते हैं, इसे कुछ भी हमें लिखना है, इस पर क्लिक करेंगे और लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम इस पर लिखते हैं टेक्निकल टेक्निकल आरजीएम, ये आ गया। और इसे हम अपने हिसाब से छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे चलिए सेट कर देते हैं, ये हो गया टेक्निकल आरजीएम। अब इस टाइटल को डिजाइन करते हैं, हमें कौन से डिजाइन में चाहिए, कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कलर हैं, इसको येलो येलो कलर कर देते हैं। हमने कलर चेंज कर दिया, फ्रंट में जाएंगे, फ्रंट में यहाँ से आप डिजाइन जो भी लिखा हुआ उसका डिजाइन अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इसका डिजाइन इसमें का सेट कर देता हूँ, चलिए ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा करते हैं, दूसरा ये वाला ओके करते हैं। अभी टेक्स्ट में आ गए हैं, बॉर्डर बॉर्डर इसका कलर करने के लिए ये वाला है, यहाँ से आप बॉर्डर का कलर कर सकते हैं, मैं रेड कलर का बॉर्डर कर देता हूँ। शेडो जो इसके नीचे नीचे आता है, शेडो को इनेबल करेंगे, ये शेडो चालू हो गया। शेडो को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, शेडो को मीडियम रहने देते हैं, ये हमारा शेडो हो गया। और दूसरा बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड चाहिए तो इसे क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड का कलर, जैसे कि बैकग्राउंड का मुझे करना है ब्लू कलर कर देता हूँ, तो हमारा बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो गया। चलते दूसरी वाला, ये वाला हो गया।
अगर इस टेक्निकल आर्जियम जिसे मैंने लिखा उसे ज़्यादा देर तक देखना चाहते तो आप इसको ऐसे लंबा कर दीजिए तो ज़्यादा देर तक वहाँ पे रहेगा। अगर आप पूरे वीडियो में चाहते तो इसे पूरे वीडियो में ऐसे सेट कर दीजिए। चलिए दूसरे चलते, कोई वीडियो आपको सेट करना है तो वीडियो पे क्लिक कीजिए और वीडियो हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि हम ये वाला वीडियो ले लेते हैं, तो मीडी वीडियो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये हमारा वीडियो आ गया, वीडियो के अंदर हम दिखाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से वीडियो को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट कर दिया, आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए इस तरह से वीडियो सेट हो जाएगा। आप जितना देर तक दिखाना चाहिए उतना देर तक इसे सेट कर सकते हैं। चलते हैं और तीसरा, फ़ोटो कैसे सेट करते हो आपको बताते हैं। जैसे फ़ोटो आपको सेट करना है, ये रहा हमारा फ़ोटो, अब हम इसे सेट करके दिखाते हैं फ़ोटो कैसे सेट करते हैं। ये फ़ोटो आ गया, मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो को सेट करना है तो हम इसको यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। अगर पूरे में सेट करना चाहते हैं तो पूरे में कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे फ़ोटो सेट कर दिया, और जितना देर तक फ़ोटो देखना चाहते हैं उतना देर तक इसको हम आगे तक इस लेयर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फिर से हम लेयर पे चलते हैं और स्टिकर, स्टिकर में आते हैं। स्टिकर में आपको जो यहाँ से लेना है, जैसे आप लेना है ले सकते हैं। सब्सक्राइब का, लाइक का सब बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं चलिए इसको ले लेता हूँ, ये आ गया। अब चलो आप बताते हैं इसको वीडियो में, यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर दिया, इसको बराबर कर देते हैं। आप स्टिकर देख लिए, अब चलते हैं ओवरले पे। ओवरले पे देखते हैं क्या है। ओवरले पे आप यहाँ से इफ़ेक्ट वीडियो में आ सकता है, आप देख लीजिए। अभी प्ले करके दिखा देता हूँ, ये पत्तों को झड़ते हुए ऐसा आपको अलग अलग इफ़ेक्ट आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब छः नंबर पे चलते हैं, इफ़ेक्ट लेयर, ये रहा इफ़ेक्ट वाला, हम इसे ले लिए। इसके बारे में भी दिखा दे रहे हैं, ये आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, जहाँ रखेंगे वहाँ पे ज़्यादा लाइट रहेगा। ये वीडियो पे मुझे लाइट करना है तो मैं वीडियो पे कर देते हैं और आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। आपने देख लिया इस तरह से ये सेट हो गया पूरा। आप पावर डायरेक्टर यूज करना चाहते तो आपने देख लिया वीडियो फुल फीचर। कमेंट कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग का वीडियो, कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।